मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सब पर आपको छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी अवकाश, आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पथ चिंता नहीं, रख गया तो गया पथ चिंता नहीं हुआ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेगा तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफी वर्ल्ड लेवल पर काफी हाहाकार मचा। आपको याद होगा ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेघाट में 450 गांव, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नाही करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहां के किसान है उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहां नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गए, तब एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूं, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूंगा, आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पथ चिंता नहीं। मैं गया, एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी सुपरिटिंग इंजीनियर थे, मैं राजदूत पर, उसमें राजदूत थे, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार के